दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स पांडा के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं किसी विशेष टॉपिक या विशेष एग्जाम के ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलेंगे कि आप मुझे एक बार कमेंट में जरूर लिखोगे कि हाँ मुझे इस चीज से फायदा मिला है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आर यू रेडी फॉर अपकमिंग चैलेंजेस? क्या आने वाले दिनों में जो चैलेंजेस हैं इनके लिए दोस्तों आप तैयार हैं? आप कहोगे कि ये किस तरीके के चैलेंजेस की यहाँ पर बात की जा रही है और किस कॉन्टेस्ट में ये बात की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि राइट नाउ जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आपने भी देखा कि पिछले 40-50 दिनों से जो भी लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है या फिर आने वाले 17 मई तक जो लॉकडाउन सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, तो आप यहाँ पर जो प्रेजेंट सिचुएशन में है आपके मन में बहुत सवाल आ रहे हैं कि कौन सा रिक्रूटमेंट कब आएगा, आने वाले टाइम पे रिक्रूटमेंट आएंगे या नहीं आएंगे। तो पहले आप एक एग्जाम्पल से समझें। आप ये मान के चलें कि 100 लोग एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक छोटा सा डेटा ले रहा हूं। 100 लोग आने वाले दिनों में एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे, वैकेंसी आएंगी केवल 10, एज्यूम कर लो, तो जॉब कितनों को मिलेगी? केवल 10 लोगों को मिलेगी, 90 लोग अपने आप उस रेस से बाहर हो जाएंगे। तो आपको ये पता है कि किसी के पास इस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन जब नहीं है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पर ये कोरोना वायरस कब जाएगा, कौन सी डेट में एग्जामिनेशन आ सकता है, तो सबसे ज्यादा भलाई किसमें है कि प्रेजेंट में रहने पर ही भलाई है। अगर हम अपने पास को देखकर रोएंगे या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि यार आने वाले टाइम पर क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो अभी का टाइम, हमारा जो क्रूशियल टाइम चल रहा है, ये किसी ना किसी तरीके से पास हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा कि आप चाहकर भी अपने रास्ते तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें जिनके ऊपर आपको अमल करने की जरूरत है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमें प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए प्रेजेंट में रहना है, फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ, इन सारी चीजों को भूल जाओ और आज की डेट से अपना एक कॉन्टेस्ट बनाओ कि मुझे ये शेड्यूल बनाना है, इसको फॉलो करना है और आने वाले दिनों में अपनी तैयारी को आगे ले जाना है। इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, लाइक आपको चुनना होगा हैप्पीनेस को चुनना होगा, लाइक कि हाउ टू बी हैप्पी। तो ये दोस्तों कंप्लीटली आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप जो है सैडनेस के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं पर आप अपने आप को सैड में फील कराओगे, अगर आप हैप्पीनेस के बारे में सोचोगे तो आप हैप्पी रहोगे। तो मैं खुद कह रहा हूं कि जब कभी भी अगर आपको खुश रहना है तो आपको अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स लानी पड़ेंगी, कुछ पॉजिटिव मोटिवेशन अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ अच्छी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तभी हम अपने आप को एनर्जेटिक मोड में ला पाएंगे। दूसरी चीज, हम हमेशा ये करते हैं अपने आप को कंपेयर करते हैं और लोगों से, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कभी भी आप अपने आप को कंपेयर किसी थर्ड पर्सन से या उससे मत करें। देखो मुझे खुद पता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है या फिर कोई मेरे बारे में बात भी कर रहा है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूं, साइड में कर देता हूं, क्योंकि अगर मैं थर्ड पर्सन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दूंगा तो मैं अपना 100% कभी भी नहीं दे सकता। तो मुझे ये पढ़ना, ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अपना 100% देना है तो आपको किसी और से कंपेयर नहीं करना। आपको ये नहीं सोचना यार कि वो बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है या फिर आपको ब्लेम लगा रहे हो कि यार उसकी वजह से ऐसा हो गया या फिर मैं और अच्छा कर सकता था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने आप को आप कंपेयर करना सबसे पहले छोड़ो और ये सोचो कि आप अपने आप में होलसम हो, जो आप करोगे खुद के लिए करोगे, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के लिए करोगे, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपको बता दूं कि आपके पास अपने आप खुश रहने का खुद का ही एक कारण होता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि हम किसी दूसरे की वजह से खुश हैं या फिर हम किसी दूसरे की वजह से नाराज हैं। तो मैं खुद कहना चाहूंगा कि आप अपने ऊपर जिन जिन चीजों को अप्लाई करोगे तो वैसे ही चेंजेस आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो कहना चाहूंगा कि अगर आप खुद को खुश रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचना पड़ेगा और कुछ चीजें हैं जैसे छोटी छोटी चीजें हैं इनको आपको इग्नोर भी करना पड़ेगा। लाइक कुछ लोग क्या होते हैं कि थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं या फिर किसी ने कुछ कह दिया तो या फिर वहां पर फटाफट रिएक्ट करते हैं या फिर ये सोचते हैं यार अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता समथिंग। अगर मैं बात करूं 3-4 लोगों की, अगर वो लोग कहीं आपस में जा रहे हैं तो उनके एटीट्यूड को देखते हुए किसी ने कह दिया यार ये बंदा तो अब बैंक पीओ नहीं बन सकता या फिर आपकी जो है गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग सकती। तो अगर आपने छोटी छोटी बातों को अपने अंदर इनहेरिट कर लिया, अपने अंदर आपने उनको अडॉप्ट कर लिया, तो दोस्तों आप अपने गोल से काफी दूर चले जाएंगे। आपको उनको जवाब देने के लिए अपने आप के अंदर बहुत मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपने अंदर की कमियों को खुद से आइडेंटिफाई करना होगा और खुद उनको दूर करना होगा, तो कहीं ना कहीं पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे।
कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं कि आप बहुत क्वालिटी टाइम अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, अपने साथ हैं, जरूर व्यतीत करें। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आप में इतने ज्यादा उलझनों में फंसे रह जाते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं कि कुछ लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम अगर उनके साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर हमें ऐसा लगता है यार क्या बोल दिया यार इसने, अब तो यार मेरा दिमाग खराब हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ क्वालिटी टाइम आप अपने साथ अकेले बिताएं, और अकेले बिताने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो है आपके दोस्त, आपकी किताबें। आप अपनी कुछ ऐसी बुक्स को उठाओ जो आपको बहुत ज्यादा शांति दें, या फिर आप एक ऐसा काम करो जो आपको अंदर से हैप्पीनेस प्रदान करे। तो मैं यही कहना चाहूंगा ये छोटे छोटे जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव बेस हैं, इनसे हम अपने अंदर बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आपको किसी दूसरे पर्सन के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा कि वो आएगा आपको जगाएगा तब आप जाकर अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। अगर हम आज की डेट से ही कुछ सोचना शुरू कर दें कि यार आज मेरा टारगेट ये है और आने वाले दिनों में मैं आने वाले जो भी दिन है इसमें मैं धीरे धीरे टारगेट को पूरा करूंगा प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में रहते हुए, क्योंकि कभी भी एक बड़े गोल को हम डायरेक्टली पूरा नहीं कर सकते, हमें उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ते हैं, और जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं वो हमेशा आपके प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में ही पूरे होते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई बड़ा खिलाड़ी डायरेक्टली क्रिकेट मैच में जो है आ जाता है, ऐसा नहीं है, उसने पहले जो है कई हद तक अंडर 10, 12, 11, ठीक है अंडर 15, अंडर 18, 19 खेले होंगे, रणजी खेला होगा और भी जगह पर प्रैक्टिस की होगी, तब जाके वो कहीं बड़े जो है स्कोर पर पहुंच पाता है, बड़े लेवल पर पहुंच पाता है। तो आपकी भी कुछ ऐसी ही नैया है, आपको इसको पार करना है तो छोटे छोटे प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में रहते हुए गोल बनाने होंगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है इन सबको छोड़ना होगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप खाओगे तो वो आपके पेट में जाएगा, दैट मीन्स कि आप आज की डेट में पढ़ाई करोगे तो कहीं ना कहीं पर वो फ्रूटफुल थिंग्स आपको आने वाले दिनों में जो रिजल्ट के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगी वो आप खुद सोचोगे कि यार मैंने सही ट्रैक पकड़ा और सही टाइम पर मैंने पकड़ा, जहां पर और लोग इधर उधर की चर्चाओं में व्यस्त थे तो मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की और मेरी जो सक्सेस है वो कम्प्लीटली उसका पूरा श्रेय मुझे ही जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप उसका क्रेडिट मुझे दो, इधर दो उधर दो, किसी को मत दो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो 95% उसमें दोस्तों आपकी मेहनत होती है, और वही आपको एक अच्छे लेवल, एक अच्छे पोजीशन के ऊपर लेकर जाती है। और एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी जब हम किसी दूसरे की मदद करते हैं, देखो मदद करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उसकी फाइनेंशियली हेल्प करें, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई पर्सन उदास है, परेशान है, अगर आप उसको मोटिवेट भी कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि आप उसकी किसी भी तरीके से मदद कर लो, अगर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इससे आपको और भी अच्छा लगना चाहिए और आपको अच्छा फील भी होगा, वो पर्सन आपको थैंक यू बोले ना बोले डजंट मैटर। तो आपको क्या करना है कि दूसरों की सहायता करनी है, फाइनेंशियली कर सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो तो उसको छोड़ो, आप किसी और तरीके से मोरल सपोर्ट दे सकते हो, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ अगर आप अपने आप को ढाल के रखोगे तो दोस्तों आप काफी आगे जाओगे, और ये जो एग्जामिनेशन है इनका कॉन्टेस्ट बिल्कुल अलग है, हमें अपनी प्रिपरेशन को बनाने के लिए अपने आप को भी उस तरीके से ढालना पड़ेगा। क्योंकि आप ये चीज समझ जाओ कि कोई अगर बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार होता है, ठीक है, जो बर्तन बनाने वाला होता है पर्सन, तो वो क्या करता है कि अपने हिसाब से उस मिट्टी को पहले सेट करता है, फिर वो बर्तन बनाना स्टार्ट करता है, उसके सामने बहुत रॉ मटेरियल पड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है कि उसने मिट्टी उठाई और डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया, पहले वो उसको पीट कर एक शेप देता है। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि अगर मेरा गोल बड़ा है तो मुझे भी अपने आप को पहले एक शेप देना होगा, और वो शेप देने का सबसे अच्छा तरीका यही है जो ऊपर मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आप अपने आप को एक अगली नेक्स्ट पोजीशन तक दोस्तों जरूर लेकर जाएंगे, और मुझे लग रहा है कि आपको आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, आपने अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो लाइक जरूर करके जाना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्या लगा। देखो जरूर कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर हम कहीं से मोटिवेशन उठाते हैं या फिर हम कहीं से मोटिवेशन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक थोड़े टाइम के बाद पड़ता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपके अंदर कोई चेंज हो तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी थोड़ा पता लगेगा कि यार जो भी चीजें मैं बना रहा हूं वो आपके लिए कितनी फ्रूटफुल रहने वाली है। और आज के टाइम पर आप यही अपने अंदर एक प्रण लें कि राइट नाउ मैं प्रेजेंट कॉन्टेस्ट में ही रखूंगा अपने आप को, और इसमें रहकर मैं आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए देखूंगा। मुझे पता है कि प्रैक्टिकली ये वाली चीज थोड़ी सी टिपिकल होती है, ओके, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं तभी हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते।
तो मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन सब चीजों को साइड में रखो, जो भी र्यूमर्स, जो भी अफवाहें या फिर किसी के कोई निगेटिव थॉट्स हैं, इन सबको साइड में रखो, अपना एक माहौल बनाओ, अपनी स्टडी स्टार्ट करो और कहीं ना कहीं पर आप एक अच्छे बड़े लेवल तक दोस्तों पहुंच सकते हैं। मिलेंगे हम फिर आगे और मैं आपको इसी तरीके से मोटिवेट करता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना है। फिर मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।